आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार ये भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर का हेडिंग है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु है क्या? प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश के सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजा जाता है। आइए देखिए, यहाँ से प्रकाशित तंतु है क्या? इसमें प्रकाश सिग्नल को हम बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से भेज सकते हैं, बहुत आसानी से भेज सकते हैं। यह किस पर आधारित है? यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन जान लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपको बताया गया था सघन टू विरल। तो सघन से जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, यहाँ इस कोण का मान बढ़ने लगता है। तो यहाँ एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर, तो एक विशेष आपतन कोण पर क्या घटना होती है? ये जो है ये विशेष आपतन कोण पर इस अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण से इसमें जो है क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक बढ़ाने पर सभी किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक, जैसे ही हम कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे ही समस्त किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक उपकरण बनाया गया है। इसको आप समझें, ध्यान से देखिए। ये 10^-4 मीटर मोटाई का एक पतला पाइप होता है जो क्वार्टेज का बना होता है और क्वार्टेज का अपवर्तनांक 1.7 होता है। इसके बाहरी, इसके जो यहाँ एक लेप लगाया जाता है, इस लेप को जो है, इस लेप का अपवर्तनांक 1.5 होता है। और जैसे ही इस पे हम प्रकाश को भेजते हैं तो प्रकाश यहाँ सघन हो जाएगा, ये माध्यम आपका विरल हो जाएगा। एक विशेष आपतन कोण पर जैसे ही, एक विशेष आपतन कोण अर्थात क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक ये प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो पुनः इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और लगातार ये आगे बढ़ता चला जाता है। यही घटना आगे भी होती है और दूसरे सिरे से ये प्रकाश निकल जाता है। तो इस तरह से इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ये जो है उपकरण है और इसमें ऊर्जा क्षय नहीं होती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही ये प्रकाश जो है एक सिरे से दूसरे सिरे पर बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो इसमें बहुत बारीक होती है, यहाँ तक जैसे आप देख रहे हैं 10^-4 मीटर मोटाई का होता है। इस तरह से हम इसका एक समूह बना लेते हैं, पतली पतली बहुत अधिक संख्या की जो पाइप होती है उसे हम प्रकाश पाइप कहते हैं। तो उसी में सभी में भेजी जाती है, तो ये लाइट एक सिग्नल के रूप में दूसरे सिरे से प्राप्त हो जाता है। तो क्वार्टेज n = 1.7 का अत्यंत लंबा तथा 10^-4 मीटर मोटाई का यह पतला पाइप होता है। यह पाइप सभी स्थानों पर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से लेपित होता है, मतलब ये पेंट कर दिया जाता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल के रूप में बहुत दूर तक भेजा जाता है इस पाइप के माध्यम से। इंडोस्कोपी
में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उपकरण है। इसमें क्या होता है, इंडोस्कोपी में ये प्रकाश को भेजा जाता है एक विशेष आपतन कोण पर, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम के अनुसार उसमें जो सिग्नल होता है वो इंडोस्कोपी में, वो अंदर जब वो लाइट पहुंचती है तो वहाँ उजाला हो जाता है, तो वहाँ के फिगर को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है इसका इंडोस्कोपी में। और आपका जो हम आला लगाते हैं कान में, उसमें यानी जो धड़कन को सुनते हैं, जैसे हार्ट के कंपन को जो हम सुनते हैं, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित वो भी है, साउंड के रूप में होता है। तो इस तरह से प्रकाशित तंतु का उपयोग, बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। धन्यवाद।